मोटिवेशन के तीन एस्पेक्ट होते हैं एक्टिवेशन इंटेंसिटी और परसिस्टेंस एक्टिवेशन का मतलब है कि वो डेट या फिर टाइम जब आपका मोटिवेशन एक्टिवेट हो जाता है इंटेंसिटी का मतलब है आपके मोटिवेशन का लेवल और परसिस्टेंस का मतलब है आपके मोटिवेशन का कंटिन्यूटी या फिर डिपेंडेबिलिटी जैसे कि अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन देखा है आने वाले एग्ज़ाम का तो तब शायद आपका मोटिवेशन एक्टिवेट हो गया इस एग्ज़ाम को लेके लेकिन इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि आप इस एग्ज़ाम के बारे में कितना सीरियस है क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही सीरियसली ले रहे हो तो आपका इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा रहेगा अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं हो तो आपका मोटिवेशन का इंटेंसिटी कम होगा और एक्टिवेशन और इंटेंसिटी की वजह से आप अपना प्रिपरेशन शुरू तो कर लेते हो लेकिन किस तरह से वो प्रिपरेशन चलता है वो डिपेंड करता है परसिस्टेंस पे जैसे कि कुछ लोग क्योंकि उनका मोटिवेशन का एक्टिवेशन हो गया है और उनका इंटेंसिटी भी अच्छा है तो वो प्रिपरेशन तो शुरू कर लेते हैं लेकिन उनके मोटिवेशन में परसिस्टेंस नहीं है कंटिन्यूटी नहीं है तो कुछ दिन वो प्रिपेयर करेंगे फिर गैप होगा फिर कुछ और दिन प्रिपेयर करेंगे फिर थोड़ा गैप ले लेंगे फिर एग्ज़ाम से ठीक कुछ दिन पहले शायद वो फिर से अपना प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो क्या वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे नहीं करेंगे ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है तो अगर आप उनके कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोसेस को देखते हो तो उसमें इतने सारे गैप्स हैं और ये गैप्स जो है वो इस वजह से है क्योंकि उनके मोटिवेशन में परसिस्टेंस या फिर कंटिन्यूटी नहीं है तो एक्टिवेशन वो टाइम या फिर डेट होता है जब आपका मोटिवेशन एक्टिवेट हो जाता है इंटेंसिटी यानी कि आपके मोटिवेशन का क्या लेवल है और परसिस्टेंस का मतलब है कि आपका मोटिवेशन कितना डिपेंडेबल है और उसमें किस तरह का कंटिन्यूटी है